राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई आप देश की फिक्र करो ना, देश महंगाई से जूझ रहा है, देश बेरोजगारी से। अब आप फिर आप अच्छा अभी अभी तो इस्लाम का आप गुणगान कर रहे थे। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है। एक मिनट प्लीज 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 शांत प्लीज शांत प्लीज प्लीज एक मिनट म्यूट करिए, शांत करिए। मुझे लगता है कि आज माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने उसी संदेश की पुनरावृत्ति करी है कि अगर एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि पूरा जो विश्व है, पूरे विश्व की पूरी धरती आज ग्लोबल रूप से इस्लामिक आतंकवाद से ग्रसित है। ब्रिटेन की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, चाहे हमारे बगल में बांग्लादेश की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां जिहाद के नाम पे, इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे, इस्लामिक कट्टरतावाद के नाम पे वहां के अल्पसंख्यकों को ना काटा ना जा रहा हो, उनके मंदिर कंगी उनकी पूजा पद्धति को नष्ट ना किया जा रहा हो, जहां उनके पूजा प्रतिष्ठानों को नष्ट नहीं किया ना जा रहा हो, जहां उनकी बहन बेटियों को सरेआम चौराहे पर उनकी इज्जत और असमत को तार तार ना किया जा रहा हो। तो भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान से जो संदेश दिया था, वही संदेश की पुनरावृत्ति आज हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ अच्छा। ने हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी को दी है हाँ। कि हमें एकजुट होके हाँ। एकजुट होके इकट्ठा रह के इस इस्लामिक आतंकवाद का, जिहाद का, गजवाए हिंद का सामना करना पड़ेगा। ठीक है मौलाना साजिद रशीदी साहब, सही समझे क्या अजय गौतम जी जो योगी आदित्यनाथ समझाना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या वो सही समझे अजय गौतम जी? ये सब बेतुकी बातें हैं। एक बात बताइए, हिंदुस्तान में हिंदू 80% है और मुसलमान 20% है, यानी 20% से आप 80% को डराना चाहते हैं, ये कोई तुक वाली बात है? समझ में आती है? तर्क संगत है ये? ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, देश में नफरत फैलाने की राजनीति है। एक आदमी जो संविधान की शपथ लेकर संविधानिक पद पर बैठा हुआ है, इस तरह के अल्फाज बटेंगे तो कटेंगे, ये संविधानिक हो सकते हैं? ये मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसे शब्द नहीं आने चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। ये इतना गैर संवैधानिक बयान है कि जिसकी जितनी निंदा की जाए इतना कम है। अच्छा। मुख्यमंत्री को नहीं कहने चाहिए ऐसी बातें। या तो आप संविधान की शपथ ना लो, आप कह दो हम संविधान को मानते ही नहीं है। अच्छा। संविधान क्या चीज है? ये देश धर्म निरपेक्ष है, ये देश संविधान से चलेगा, ये किसी गीता कुरान से नहीं चलेगा। लोग बार बार कहते हैं शरिया से नहीं चलेगा, तो मैं कहता हूँ गीता कुरान से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। अच्छा। अगर कोई आदमी इस तरह की बातें करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए। पंडित अजय गौतम जी, आपको तो कम से कम निंदा करनी चाहिए थी इस बयान की। अच्छा। आपने इस्लामोफोबिया पर सबक देना शुरू कर दिया। जो तुम्हारे जहन में बैठा हुआ है इस्लामोफोबिया, वो निकल निकल कर बाहर आ रहा है। और बड़ी बात मैं आप एक चैनल पर कहना चाहता हूं आपके, जितना आप लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हो इतना ही लोग इस्लाम में आते जा रहे हैं। 13 बड़े प्रसिद्ध लोग जो बड़े बड़े उच्च चीजों पर पदों पर बैठे थे वो इस्लाम में दाखिल हो गए, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। अच्छा। आप मैं तो कहता हूँ और ज्यादा नहीं, अजय जी एक बात ठीक है ठीक है। अच्छा पहले शांति से सब लोग बात रखेंगे। अजय जी एक मिनट, मौलाना साजिद रशीदी जी, अजय जी एक मिनट सुनिए ना एक पॉइंट का जवाब दे देते हैं इनको। अजय जी वो वाला इस्लाम बांग्लादेश में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सवाल इतना सा है, इस्लाम के खिलाफ कहा इस्लाम की आड़ में जो कत्लो गारत हो रहा है आज बांग्लादेश में, उसमें बताइए ना। इस्लाम कहता है कि एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो वो बताइए वो इस्लाम के बांग्लादेश में? शेख हसीना के अंधभक्त थे जो शेख हसीना। एक मिनट ये सवाल जवाब क्लियर होने दीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में कोई मत बोलिए प्लीज, बीच में। अजय गौतम ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इस्लाम ये कहता है कि एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये होती है इस्लाम की अच्छाई, जो दूसरों के मुंह से बोले, इसको कहते हैं इस्लाम।
आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। कौन सा इस्लाम है मौलाना साहब, यही तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ आपका भाई। कत्ल कर रहे हैं यही है, कौन से इस्लाम को मानने वाले हैं? मैं आपसे फिर कहता हूँ, सुनिए ना, ये अपने अपने हिसाब की बात आप सुनते हैं क्या मौलाना साजिद रशीदी जी? बस जो आपको सुनना है वही सुनते हैं, नहीं जो आपको सुनना चाहते हैं वही आप सुनते हैं। वो तो ये पूछ रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है ये कौन सा इस्लाम है, वो ये पूछ रहे हैं। अरे भाई आप देश की फिक्र करो ना, देश महंगाई से जूझ रहा है, देश बस बेरोजगारी से। अब आप फिर आप अच्छा अभी अभी तो इस्लाम का आप जब गुणगान कर रहे थे, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है, आप बताओ ना जो बांग्लादेश में हिंदू। एक मिनट प्लीज 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 शांत, प्लीज शांत, प्लीज प्लीज एक मिनट म्यूट करिए, शांत करिए। मौलाना साहब अभी आपने इंसानियत की बात की, आपने इंसानियत की बात की, अब आप कह रहे हैं बांग्लादेश के, अपने देश की बात करो ना, बांग्लादेश में इंसान नहीं रहते हैं, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो इंसान नहीं है, वहां पर इंसानियत गई बाढ़ में, आप ये कह रहे हैं? देखो जिन लोगों की दोहरी मानसिकता होती है वो इस तरह की बात करते हैं कि अपने देश के मुसलमानों को गालियां देना और दूसरे देश के हिंदुओं को बगल में लेना। किसने गालियां दी? ये तो क्या हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित है, हर कोई सुरक्षित है, हर कोई बहुत आजादी मिली हुई है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? आज जन्माष्टमी के दिन, आज जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को तोड़ दिया गया, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, बहुत बढ़िया। कहा जाता है हिंदुस्तान में रहना शिवानी दुर्गा जी, नहीं ये आपकी सोच है। आप रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षित है? मैं बांग्लादेश के हिंदू का, अरे गाय के नाम पे लिंच कर रहे हो, अरे और कह रहे हो सुरक्षित है रोहिंग्या मुसलमान की, आप रोहिंग्या मुसलमान की वकालत करो तो ठीक है, उसके लिए आजाद मार्ग में आजाद। ये भारत का एग्जांपल मौलाना साहब ने दिया, एक मिनट रुक जाइए, सुनिए सुनिए, जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। भारत का एग्जांपल सुनिए ना, भारत का एग्जांपल मौलाना साहब ने दिया, साजिद रशीदी जी ने दिया कि भारत में 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं, और यहाँ पर हिंदुओं से ऐसी बातें की जा रही है, एकजुट रहने की, मुसलमानों को डराने की बात की जा रही है। असम हो, बांग्लादेश हो, वहां पर देखिए डेमोग्राफी कितनी तेजी से चेंज हुई है, मुस्लिम आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है, हिंदू आबादी तेजी से लगातार घटती जा रही है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर भाग रहे हैं कि परिवार की अपनी बहन बेटियों की जान बचा लें। बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है, असम में भी ऐसा हो रहा है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर कह रहे हैं। शिवानी दुर्गा जी, शिवानी दुर्गा जी, मौलाना साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के बयान देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बेहद गलत है, माहौल एक गलत बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप क्या समझती हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से? हर हर महादेव और जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अजय जी और चेतना दीदी आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अरे हम लोग क्या दुश्मन है क्या कि हम लोग को नमस्कार नहीं करेंगी? देख लीजिए यही फर्क, यही दिक्कत होती है। शुरुआत में सभी को बोला, हिमांशु जी देख लीजिए, सुनिए ना, शुरुआत में उन्होंने सभी को बोला जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं, तो आप सभी में आते हैं ना, और बाबा इनका नाम लेके बोला। अब हो सकता है उनका व्यक्तिगत, उनके खास संबंध हो, हाँ ठीक है, बताइए आगे कंटिन्यू। शिवानी जी पर्सनल, इनका नाम है फाजिल जियादी। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए शिवानी जी, मैंने अभी सुना और दुर्भाग्यपूर्ण तो इनके स्टेटमेंट्स हैं कि ये कहते हैं कि 20% मुसलमान हैं और 80% हिंदू हैं, तो ओवैसी जी किस श्रेणी में आते हैं जो कहते हैं कि जब योगी हट जाएंगे और मोदी जी जो पहाड़ों में चले जाएंगे तब इन हिंदुओं को कौन बचाएगा, तो वो ओवैसी किस इसमें आते हैं कैटेगरी में, वो भी कृपया क्लियर करें। आपके धर्म के मजहब के लोग ये बोलते हैं कि हम काट देंगे, मार देंगे, हिंदू अगर रामायण चलाए, हिंदू अगर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा चलाए उसे जाकर के काट आते हैं, तब आप मुसलमान है जो कोई शब्द नहीं निकलता। प्लीज प्लीज आप बीच में मत बोलिए, क्या कह रहे हैं? बीच में मैं नहीं चाहूंगी कि आप बोले, प्लीज मैं आपको अपने मुसलमान मान लिया गया, जो आप कह रहे हैं काटने की बात करते हैं, तो क्या मुसलमान आप ये मानते हैं सिर्फ मुसलमान काटने की बात करते हैं? मुसलमान काटने की बात करते हैं, मुसलमान काटते हैं की बात करते हैं तो सीएम योगी नहीं, मुसलमान काटते हैं क्या पहले ये बताइए, मुसलमान काटते हैं? मुसलमान काटते हैं, बटेंगे अगर बटेगा सीएम योगी कर रहे हैं, काटने की बात मुसलमान तो करता ही नहीं। बिल्कुल हमारा धर्म है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम हिंदू को जागृत करें। आप जाइए, आप तो कर ही रहे हैं मुसलमानों को जागृत, हर तन से जुदा, धड़ तन से जुदा, ये सब नारे तो आप ही की तरफ से आते हैं, हमारी तरफ से कहां आते हैं इस तरह के नारे? हम
हम तब भी श्री राम का नारा लगाते हैं इस देश में, आप लोग बांटने की और काटने की बात करते हैं। बटेंगे, उन्होंने हिंदुओं से कहा कि जुड़िए, एक होइए, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कटेंगे तो कटेंगे, मतलब उन्होंने तो एकता की बात की। कहां हिंदू मुस्लिम आ गया उसके अंदर, ये तो आप ढूंढ रहे हैं, आप जैसे लोग बैठे हुए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कहां से उन्होंने बोला? उन्होंने बोला कि हिंदू पटेगा तो कटेगा, उन्होंने कहा पटेंगे तो कटेंगे। तो ये सही बात है कि जो गठरी होती है लकड़ी की, अगर एक अकेली कर दो तो टूट जाती है। तो हमारी शिक्षा हमारे पूर्वज देते रहे कि आप साथ में रहोगे तो कोई आप पर हावी नहीं हो सकता, आप अकेले अकेले रहोगे तो आप काट दिए जाओगे। ये तो पूर्वज हमारे शिक्षा देते आए हैं। और रही बात धर्म की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, अभी आपने आपके साथी बात कर रहे थे कि हिंदू जो है वो ज्यादा है, ज्यादा होने के बाद आप लोग भय पैदा करने वाले लोग हैं। आप संविधान की बात कर, क्या वक्फ बोर्ड का जो है नियम, ये संविधान में लिखा है कहीं कि जाके दूसरे की जमीनें हड़प लो जबकि वो तुम्हारी ना? अच्छा, वक्फ पर इस पर बात नहीं हो रही, लेकिन आपने जो बात कही इस पर जान लेता हूँ। फाजिल अहमद साहब बोलेंगे, कुछ फाजिल बोलेंगे बैठकर। नहीं, फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, यू आर ओनली द लिटरेट वन हियर।